गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 26, पोस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। इस चैप्टर में हमने ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में पढ़ना है कि जैसे मोस्टली जो एंटरप्राइज हैं उनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना है ना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही वो सारे काम करते हैं, लेकिन हमारे को तीन फैक्टर्स हैं जिसके बारे में जो है पढ़ना है, इसके बारे में, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो इसको एनालाइज़ करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है या जो एनालिसिस किया जाता है ये तीन फैक्टर्स का, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि इसमें जो कॉस्ट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट, है ना। जो फिक्स्ड कॉस्ट है टोटल, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक कॉन्स्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ वो बढ़ती नहीं है और कम करने के साथ वो कम नहीं होती। और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, जो प्रोडक्शन के बढ़ाने के साथ बढ़ती है और कम करने के साथ कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो देखिए डायग्राम से बताया हुआ है, इसमें आपको ये शो किया गया है कि ये आपका वॉल्यूम चाहे कितना ही बढ़ाएं, आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो उतनी ही रहेगी। ये बता रहा है जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी। इस डायग्राम में बताया कि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये टोटल कॉस्ट है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों हैं, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी। और इस डायग्राम में बताया है कि आपका प्रॉफिट हो तो इस पॉइंट से ऊपर जाएगा, है ना, और अगर लॉस होगा तो नीचे जाएगा। तो ये आपको कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में कुछ बताया है। अब हम मेन जो टॉपिक है उस पर चलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट प्रोडक्शन का या सेल का एट विच फर्म नाइदर अर्न्स एनी प्रॉफिट और नॉर इनकर्स एनी लॉस। ना तो कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है और ना ही कोई लॉस होता है, इसको हम नो प्रॉफिट पॉइंट भी कहते हैं या ज़ीरो लॉस पॉइंट भी कहा जाता है। तो वी कैन से कि एक ऐसा पॉइंट निकालना कितने यूनिट्स कंपनी सेल करे या फर्म सेल करे जिस पर कंपनी को ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना ही कोई लॉस हो, उसको हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इसका जो फार्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का कि किस तरीके से इसकी कंप्यूटेशन की जाती है, तो तीन मेथड हैं। सबसे पहला है इक्वेशन मेथड, कंट्रीब्यूशन मेथड एंड ग्राफिक मेथड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन मेथड। तो देखिए इक्वेशन मेथड में जो इसका फार्मूला है, कल भी बताया था मैंने आपको कि सेल जब निकाली जाती है तो किस तरीके से निकाली जाती है। सेल निकालने का फार्मूला है वेरिएबल एक्सपेंडिचर, वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, ये हमारी इक्वेशन है, है ना। इसके अकॉर्डिंग भी आप ब्रेक इवन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो देखो इन्होंने जो एग्जांपल दिया कि आपकी सपोज जो सेलिंग प्राइस है वो रुपीज़ 10 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट आपकी 6 पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट है 5000, है ना। तो आप इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं कि सेल है आपकी 10, तो 10x हो गई, कि सपोज़ आपने एज्यूम कर लिया कि x आपकी नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं जो कि सेल हो रही हैं, तो आपने x को 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इज इक्वल टू आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी है, 6, तो यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 5000, तो वही हो गई ना आपकी सेल इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट यहाँ पर क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट आपके क्या होंगे, 0। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 5000, तो ये x की वैल्यू आ गई आपकी 1250 यूनिट्स। इट मींस अगर आपकी जो सेलिंग है वो 1250 यूनिट्स होती है तो आपका जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इससे ज़्यादा यूनिट्स अगर आपकी सेल होंगी तो आप प्रॉफिट में जाएंगे, इससे कम यूनिट अगर आपकी सेल होंगी तो आप लॉस में जाएंगे। तो ये है हमारा इक्वेशन वाला फार्मूला। सेकेंड देखिए, सेकेंड है कॉन्ट्रीब्यूशन मैथड, जिसमें हम कॉन्ट्रीब्यूशन की हेल्प से भी ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम माइनस करें तो क्या आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन, या कॉन्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। या कॉन्ट्रीब्यूशन निकालने का फार्मूला हमारा सेल्स इंटू पीवी रेशियो, तो इसमें से कोई सा भी फार्मूला यूज़ करके आप कॉन्ट्रीब्यूशन को निकाल सकते हैं। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, कैलकुलेट पर यूनिट एंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपको सेल दी हुई है रुपीज़ में 40,000, सेल यूनिट्स में दी हुई है 4,000, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दी है 30,000। तो सिंपल आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चाहे तो आप पर यूनिट ले सकते हैं चाहे तो आप टोटल अमाउंट ले सकते हैं। सेल आपको दिया है 40,000, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 30,000, तो 40,000 माइनस 30,000 आपका कंट्रीब्यूशन हो गया कितना, 10,000।
पर यूनिट अगर आपने निकालना है तो सेल्स पर यूनिट ले लो 40,000 डिवाइडेड बाय 4,000 यूनिट्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 30,000 डिवाइडेड बाय 4,000, तो ये आप करेंगे तो ये आपका 10 - 7.50 आ गया 2.50, या 10,000 को भी अगर आप 4,000 से डिवाइड करते तो ये आ जाता आपका 2.50, है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ भी आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है। सेल दी है 1,50,000, पीवी रेशियो है 40%। तो कंट्रीब्यूशन निकालने का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, सेल मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। सेल इज